जयपुर शहर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और भाजपा उम्मीदवार रामचरण बोहरा ने अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। बोहरा सभी वर्गों और समाज तक पहुंच बनाने के लिए कवायद में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बोहरा में चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में शहर के सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने भी बोहरा से लोकसभा चुनाव में समर्थन का वादा किया और व्यापार जगत से जुड़ी समस्याएं और अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया। लोकसभा के सदस्य के रूप में उद्योग और व्यापार क्या अपेक्षाएं करता है पिछले कार्यकाल को देखते हुए और राजस्थान की इस राजधानी को सौंदर्यमय उद्योगशील व्यवसाय जगत में उच्च स्थान प्राप्त करने में आपका क्या सहयोग हमें मिलेगा, आपकी क्या नीति परिणीति रहेगी, इसलिए एक संवाद कार्यक्रम रखा है। पिछला कार्यकाल के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद उद्योग और व्यापार जगत देता है, ऐसा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मानना है। हमारा कोई मंच किसी राजनीतिक या पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर व्यक्ति से संबंध है। व्यक्ति सरल स्वभाव का हमेशा अवेलेबल होने वाला व्यक्ति अगर होता है तो उद्योग और व्यापार जगत को बहुत प्रिय होता है। हमारे केंद्र और प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ और ज्येष्ठ प्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत आदर के साथ आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने जयपुर की जनता का जिस तरह से जो काम किया है, जयपुर के लोगों के साथ बैठकर मैंने जिस तरह से 5 साल में काम किया है, और सभी संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं का जिनके माध्यम से आज पूरे जयपुर में मेरे प्रति जिस तरह का जो टिकट दिलाने में सहयोग रहा है, आभार प्रकट करता हूँ। आज उद्योग जगत और व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर और बातचीत करने का आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, चाहे वो GST की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सर्विस टैक्स की हो, हर विषय में व्यापारियों के हित में और उद्योग के हित में मैंने बात रख के काम किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।